हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो हमारे पास ये बलेनो गाड़ी आई हुई है। इसमें इशू ये आ रहा है कि आप देख सकते हैं ये हमारी ABS की लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है, और हम अभी क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक कोई भी ऐसे वैसे DTC नहीं आ रहा है। चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई DTC आता तो रेड हो जाता, वैसे कोई DTC आ नहीं रहा है। देख सकते हैं हमें जाना रहता है यूटिलिटी एक्टिव टेस्ट में, और यहाँ पे हम आएंगे ABS का होता है इसमें। हमें यूटिलिटी में आना है अपना यहाँ पे, और यहाँ पे ABS कंट्रोलर टेस्ट है, इसे हम करेंगे स्टार्ट। और ये कंडीशन होनी चाहिए, इग्निशन ऑन होना चाहिए, और इंजन हमारा स्टॉप होना चाहिए, ट्रांसमिशन जो अपना है न्यूट्रल पोजीशन में हो, पार्किंग ब्रेक रिलीज हो। तो पहली बात तो ये न्यूट्रल पे है, इग्निशन ऑन है, पार्किंग ब्रेक लगा है, तो इसे हम हटा देते हैं और इसे अब हम करते हैं आके प्रोसीड नेक्स्ट। यहाँ पे डिप्रेसाइजेशन टेस्ट है, ये चेकअप है, इसको करेंगे डिप्रेसराइज है अपना इसका। फिर क्या करना है, वही है इग्निशन ऑन, इंजन स्टॉप, न्यूट्रल पोजीशन में हो और पार्किंग भी हटा हो। नेक्स्ट ये करेंगे और इसे करेंगे हम नेक्स्ट। अब ये चारों टायरों के लिए है, फ्रंट लेफ्ट रेयर और फ्रंट के लिए और रेयर के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं चारों है, इसे हम करेंगे एक एक करके। तो आप एक आवाज़ सुन सकते हैं यहाँ पे, हमारी ABS कंट्रोल मॉड्यूल ने कि जो मोटर होती है वो वर्क करी है, और अभी आप देख सकते हैं इसमें जो ABS की लाइट आ रही थी वो ब्लिंक होना बंद हो गई है। तो इस तरह से हम इसे फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट और रेयर राइट, रेयर लेफ्ट में भी ऑपरेट करेंगे। तो इन चारों में हम इसे करेंगे। वैसे ये जो आता है मैक्सिमम ज़्यादातर एक्सीडेंटल लाइट में, एक्सीडेंटल में अगर गाड़ी रिपेयर होती है और हमारा ABS कंट्रोल मॉड्यूल ओपन होता है, तो उसमें एयर आने के कारण से इस तरह की ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप देख सकते हैं कोई भी एयर बैग ABS की लाइट नहीं आ रही है। मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं आवाज़ भी आई है मोटर की, इसे करता हूँ नेक्स्ट। रेयर राइट, रेयर लेफ्ट है, रेयर लेफ्ट हम करेंगे, और आपको मैं मोटर की आवाज़ भी सुनाता हूँ आगे, प्रोसीड करना जब बोलूँगा, ठीक है। तो हमारा लगा हुआ है मोटर, करना प्रोसीड। ये यहाँ से हमारी ये जो मोटर है ये ऑपरेट होती है। हमारे ये चारों के चारों हो गए हैं, और हम एक बार अब चेक कर लेंगे। इसे करते हैं हम बैक, कैंसिल करते हैं इसे, और हमारा क्योंकि ये हो गया है, और अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके देख लेते हैं। कोई भी अब नॉर्मल लाइट आ तो नहीं रही है, ऐसे इसमें कोई भी लाइट नहीं है। ये हैंड ब्रेक मैंने भी लिया है तो हैंड ब्रेक की लाइट है, और डोर ओपन है डोर की लाइट है, और सीट बेल्ट नहीं लगी तो सीट बेल्ट की लाइट है, और कोई भी DTC ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।